नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के खजूरी धनेश पट्टी गांव में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। थाने पर पहुंची पीड़िता सुमन के अनुसार वह बेहद ही गरीब परिवार से है और किसी तरह से त्रिपाल डालकर दब रह रही है। नई मंडई बनाने के लिए वह गन्ना की पत्ती रखी थी। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गुरुवार को दोपहर में लगभग 12 बजे धावा बोलकर गन्ने की पत्ती को लगा जला दिया। अब गरीब परिवार एक बार फिर त्रिपाल पर ही गुजारा करने को मजबूर है। लाठी डंडा लेकर धमके दबंगों ने पीड़ित के साथ गाली गलौज की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। गेहूं चावल छीड़ दिया, केले पपीते के हरे पेड़ों को तोड़कर गिरा दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत थानाध्यक्ष अरौला से की है। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लोगों के हाथों में लाठी डंडा और एकजुट होकर गाली गलौज धमकी दे रहे हैं। वहीं गन्ने की पत्ती भी धो धोकर जल रही है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम राहुल रिजिया ने बताया कि मौके पर चौकी प्रभारी को जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जो फोटो असलाह के साथ वायरल हो रही है वो पुरानी है, फिर भी मामले की जाँच पड़ताल कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? ये अरौला थाना क्षेत्र में धनेश पट्टी गांव है, यहाँ पर राजभरों की बस्ती है। उन्हीं बस्ती के बीच में दो पक्षों के बीच जो है आपसी विवाद और एक खाली पड़ी मड़ई है जो छोटी थी, उसमें आग लगने का वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसमें थाने द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जो माहौल चौकी इंचार्ज है मौके पर गए हैं और थाना प्रभारी सौ इसमें मौके पर जाकर जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई है इसमें करेंगे। इसमें सर एक लड़के की अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल है, क्या है? अवैध अर्जी के साथ जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल है उस फोटो पर प्रथम दृष्टया जांच करी गई। जांच में पाया गया ये फोटो लगभग 4 साल पुराना है। ये फेसबुक अकाउंट से हुआ था। वर्तमान में वो लड़का गांव में नहीं है, वो दिल्ली में है और आगे इसमें जो भी जांच होगी उसमें हर तरह कार्रवाई की जाएगी। सुमन थाने पर क्या करने आई है, कहाँ घर है? खजूर धने से। क्या करने आई है थाने पर? थाने पे ही माले आल है, जैसे हम दवा ने गलनी है, हम दवा ने गलनी, हमें 120 का पताई मोल लिया लनी है, पुखी पताई गन्ना के, हाँ गन्ना के पताई लिया के मोल लनी। हम जाने की अपने मराई छह बाद मराई पल्ली न उड़े हैं, अब बुन्दी पर साथ में लाइक ले कोई पल्ली में रही ला, और फिर हमें पताई में लोग आग लगाए थे, आग लगाए बाद फिर संदीप किशोर सिजोर कंता सतरा संजय है कट्टा लेके हमें घर में लोग घुस गए मारे बदे मारे बाद हमारा समाज लड़की धरल जाते कहते कि मम्मी पता ही आग लगा देना। जब हम पता ही कहीं गई तो हमें कुल घर जब पुलिस गई ना तो कहा थी कि नहीं आग आग तो ये लगा के आएगी, हाँ आग ये लगा दी, हम तो आग ना लगा तो नहीं मार तो नहीं मारने कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ मार ले चला।